आप सभी को बट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। 2024 में कितनी तारीख को व्रत करना है, अगर बट का वृक्ष ना मिल पाए तो घर पर आप सभी कैसे पूजा करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। और गर्भवती महिलाएं प्रथम बार इस व्रत को शुरू करें ना या नहीं, इस बारे में भी वीडियो है, तो अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, प्रथम में यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है इस व्रत को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है। पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म को मानने वाली सभी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। 2024 में अमावस्या तिथि, जैसे कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है, कहीं कहीं पर यह व्रत पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या जो है वह 6 जून 2024 की सुबह 6:07 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समापन होगा 5 जून 2024 7:54 के आसपास। ऐसे में उदिया तिथि के अनुसार गुरुवार 6 जून 2024 को अमावस्या की बट अमावस्या का व्रत किया जाएगा। आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, मैंने जो है आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। साथ ही जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, बट पूर्णिमा महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्र में किया जाता है, तो बट पूर्णिमा 21 जून 2024 दिन शुक्रवार के दिन रहेगा। आप सभी को बतलाते हुए चलो, 2024 में अपने आप में बहुत सारे दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। आपके प्रश्न आते हैं, दीदी इस व्रत को नए सिरे से धारण हमें करना चाहिए या नहीं, तो मन में किसी तरह की शंका न लाएं, कोई झिझक न लाएं। आप नए सिरे से इस व्रत को इस वर्ष शुरू कर सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं है। शुक्र तारा अस्त है, गुरु ग्रह अस्त है, ऐसा कुछ भी इस व्रत में देखना नहीं होता। बस खर मास और मल मास का ध्यान रखना होता है, वह इस समय है नहीं। तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा, पूर्ण विश्वास से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुभ काम को करने के लिए मन में झिझक नहीं लानी चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी हो किसी अच्छे काम की शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए जी, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा आप अपने परिवार क्षेत्र के अनुसार, जैसा रिवाज चलता है ना आपके परिवार में आपके क्षेत्र में, उस अनुसार कीजिएगा। मैं अपने प्रमाण की, शास्त्र प्रमाण और अपने परिवार की बात करूं, हमारे घर परिवार में यही बात कही जाती है। तो यह बात हो गई। अब प्रश्न आते हैं कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत को करें या नहीं। जहां तक हो गर्भवती महिलाओं को बड़े साधारण तरीके से इस व्रत को शुरू तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले से कर रहे हैं तो गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत को करें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप जो है गर्भवती महिलाएं बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े जो है आराम से, जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी अनुसार व्रत को लें। दूध, चाय, पानी आप पी सकती हैं बट सावित्री व्रत में, फल भी ग्रहण कर सकती हैं। बट वृक्ष की परिक्रमा इत्यादि आप साधारण सरल तरीके से लगाएं, आपसे परिक्रमा नहीं लग पाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने ही स्थान पर आप जो है 7 बार घूमकर, जितनी आपके यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है, इस बारे में विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगी, कितनी परिक्रमा किस तरह से लगानी है, जिस भी स्वरूप में लगाई जाती है, अपने ही स्थान पर खड़े होकर भी आप अगर परिक्रमा लगा लेंगे ना, तो आपकी परिक्रमा और पूजा पूर्ण मानी जाएगी। चाय, पानी, दूध, चाय पूर्ण रूप से, गर्मी का मौसम चरम सीमा पर है, फल लें, जूस इत्यादि लेकर अपने व्रत पूजा आराधना को संपन्न करें। तो महिला जो गर्भवती है वह व्रत धारण कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा, आप बड़े प्रेम पूर्वक जैसा शरीर साथ दे उस अनुसार कीजिएगा। गर्भस्थ शिशु को कोई कष्ट ना हो, आपको भी कोई कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप पूजा आराधना कीजिएगा। साथ ही बट वृक्ष की पूजा का बहुत विधान है, जैसे कि बट वृक्ष में ब्रह्मा जी, महादेव, श्रीहरि, विष्णु त्रिदेवों का वास माना जाता है। ऐसी परिक्रमा मान्यता है, इस दिन अगर परिक्रमा की जाए ना तो सभी तरह के संकट स्वतः ही कट जाते हैं, शास्त्र प्रमाण कहता है, और दीर्घायु होती है। इस दिन बट वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसका विस्तृत वीडियो जरूर चैनल पर आएगा कि कैसे बट वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। आप सभी को बतलाते हुए चलो, अगर बट वृक्ष आपको नहीं मिल पाता है तो आपकी फोटो प्रतिमा में कोई बट वृक्ष की परिक्रमा पूजा है, कहने का अर्थ है कहीं से ऐसा प्रबंध है। देखिए, देश विदेश से रहने वाले भी लोग होते हैं, फ्लैट इत्यादि में बट का पेड़ नहीं हो पाता है, वहाँ ऐसा आसपास व्यवस्था नहीं होती है। संभव हो तो बट की टहनी लाकर या मात्र एक पत्ता लाकर दूर दराज से आप अपने घर पर पहले ही उसे स्थापित कर पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि बट का पेड़ है ही नहीं, तो ऑनलाइन दर्शन करके भी आप पूजा कर सकती हैं। किसी जो है बट वृक्ष की फ़ोटो को खींचकर आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं जी, जैसा देश वैसा भेस करना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट का पेड़ नहीं मिल पाता है तो तुलसी का भी आप पूजन कर सकती है, बट का जो है भाव करते हुए। कहने का अर्थ है किसी पवित्र पेड़ की पूजा बट वृक्ष को मानकर की जा सकती है, इस तरह शास्त्र प्रमाण यह कहता है। बट को छोड़ना नहीं है, परंतु
तो पूजा को अपने विधान से कर लेना है। ठीक है जी, यह बात हो गई, मैंने आपको बताया। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित, तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है।